इवन ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 16 पार्ट 2 क्लाइडोस्कोप। योर क्लाइडोस्कोप इज रेडी व्हेन यू पीप थ्रूट द होल यू विल बी एबल टू सी ए वैरायटी ऑफ पैटर्न्स इन द ट्यूब एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ ए क्लाइडोस्कोप इज दैट यू विल नेवर सी द सम पैटर्न अगेन। Designers of wallpaper and fabrics and artists often use kaleidoscopes to get ideas for new patterns to make your toy attractive. You can wrap the kaleidoscope in a colored paper. आप kaleidoscope तैयार है, जब आप छिद्र से झांकते हैं तब आपको ट्यूब की भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। यह kaleidoscope की एक रोचक विशेषता यह है कि कभी भी यह एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। दीवारों वाले कागजों और वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार क्लाइडोस्कोप का उपयोग नए उपयोग पैटर्न बनाने में कल्पना करने के लिए करते हैं। आपने खिलौने को आकर्षक बनाने के लिए आप इस पर रंगीन कागज चिपका सकते हैं। सनलाइट वाइट और कलर्ड, सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। इन क्लास 7th यू लर्न दैट द सनलाइट इज रिफर्ड टू एज वाइट लाइट। यू आल्सो लर्न दैट इट कॉन्स्टेड ऑफ 7 कलर्स। हेयर इज अनदर एक्टिविटीज 16.7 शोविंग दैट सनलाइट कॉन्स्टेंट ऑफ सेवरियल कलर्स। कक्षा 7th में आपने सीखा कि सूर्य के प्रकाश का श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने यह भी सीखा है कि इसमें 7 रंग होते हैं, यह दर्शाने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। एक और क्रियाकलाप हम करते हैं। व्हाट इज इनसाइड अवर आइज, हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। वी सी थिंक ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम डेम इंटर्स अवर आइज। आइज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। इट इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर्स एंड वर्किंग। हम वस्तु को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों के में प्रवेश करता है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। द आई हैज ए रफली सेफ्रिकल सेफ, द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट, इट इज टच सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई ऑफ एक्सीडेंट्स। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड। हमारे नेत्र में आकृत लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, यह कठोर होता है ताकि क्रोनिया फिगर 16.14 बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आयरिस। इन द आयरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द पीपिल। द साइज ऑफ द पीपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आयरिस। द आयरिस इज दैट पार्ट ऑफ आइस विच गिव्स इट इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। व्हेन वी से दैट ए पर्सन हैज ग्रीन आइस वी रिफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ द आयरिस। द आयरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। लेट्स सी हाउ। यह नेत्र के अतिरिक्त भागों की दुर्घटना से बचाव कर सकते हैं। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितरिका आयरिस कहते हैं। आयरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली का साइज को परितरिका से नियंत्रित किया जाता है। परितरिका नेत्र वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में इस हम परितरिका के रंग की ही बात कर रहे होंगे। परितरिका नेत्र के प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइए यह देखें यह कैसे होता है। बिहाइंड द पीपल ऑफ द आइस इज ए लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज
thicker at the center. Recall what you learned about lens in class 7. The lens focuses light on the back of the eye on a layer called retina. 16.14. The retina contains several nerve cells. Sensation felt by the nerve cells are the transmitted to the brain through the optic nerve. There are two kinds of cell. पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है. इसमें लेंस केंद्र पर मोटा होता है. इसमें तो ये क्लास सेवेंथ में लेंस के बारे में क्या पढ़ा. लेंस प्रकाश की आग के पीछे एक परत पर फोकसित करता है और इस परत पर रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं. रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है. तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दिक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचा दिया जाता है. तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं. कॉन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड सब कुछ जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा सेकंड रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट सलकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं. कॉन्स सेंस कलर एट द जंक्शन of the optic nerve and the retina. There are no sensory cells, so no vision is possible at that spot. This is called the blind spot. Its existence can be demonstrated as follow. इसके अतिरिक्त संघ रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं. दृश्य तंत्रिकाओं तथा रेटिना के संधि पर कोई तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती हैं. इस बिंदु पर अंध बिंदु कहते हैं. इसके अस्तित्व में निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है. द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट बनिश इमिडिएटली फ्रॉम द रेटिना. इट persists there for about 1/16 of a second. So if still images of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 60 per second, then the eye perceives this object as moving. रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता. यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है. इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इसके अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु को स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को यह वस्तु परिचल चरित्र की भांति चलती फिरती अनुभव करेगी होगी. द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली ए नंबर ऑफ सेपरेटेड पिक्चर्स इन प्रॉपर सिक्वेंस. दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजली एट द रेट ऑफ 24 pictures per second faster than 60 per second. So we see a moving pictures. हम जो चलचित्र देखते हैं वह वास्तव में कुछ अभिन्न अनेक चित्रों पर उपयुक्त क्रम से पर्दे पर प्रक्षेपण हैं. उन्हें नेत्र के सामने प्रायः 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है. इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं. नेचर हैज प्रोवाइडेड आइज विथ eyelids to prevent any object from entering the eye. Eyelids also shut out light when not required. नेत्रों को बाहरी वस्तुओं में प्रवेश के लिए सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलके प्रदान की है. पलके बंद होकर अनावश्यक अप्रकाश के नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती है. Eye is such a wonderful instrument that is normal can clearly see distant object as well as object nearby. The minimum distance at which the eye can see object distantly varies with age. The most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 cm. नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है जो सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं पर भी स्पष्टता देख सकता है. यह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित हो रही होती रहती है. सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है.
Some persons can see object close of them clearly, but cannot see distant object so clearly. On the other hand, some persons cannot see object nearby clearly, but they can see distant objects quite well. With suitable corrective lens, these defects of the eye can be corrected. कुछ मनुष्य पास रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। उचित संशोधन लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र की इन दृष्टि दोषों को संशोधन किया जा सकता है। समटाइम्स पार्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई सेट बिकम फॉगी It is due to the eye lens becoming cloudy. When it happens, persons are said to have corrected. There is a loss of vision. Sometimes extremely severe. It is possible to treat this defect. The optic lens is removed and a new artificial lens is instead. Modern technology has Met this procedures simpler and safer. कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस का धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने से यह कहा जा सकता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है, जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप से लेती है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटा कर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है और आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल और सुरक्षा बना दिया है। केयर ऑफ द आईज, नेत्रों की देखभाल। इट इज नेसेसरी डैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज। इट देयर इज एनी प्रॉब्लम्स, यू शुड गो टू द आई स्पेशलिस्ट, हैव ए रेगुलर चेकअप। यह आवश्यक है कि हमें आप अपने नेत्र की उचित देखभाल करना चाहिए। यदि कोई समस्या हो तो उसको अपने आँखों किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, नेत्रों की नियमित जांच कराना चाहिए। इफ़ एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्ट्रियल्स, यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आइज, इनसफिशियंट लाइट केसेस आई ट्रेन एंड हेड्राइज, टू मच लाइट लाइक यो डेट ऑफ द सन ए पावरफुल लैम्प और ए लेजर टॉर्च कैन इंजोर द रेटिना। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैम्प या अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। डू नॉट लुक एट द सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। नेवर रब योर आईज इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आईज, वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर। If there is no improvement, go to a doctor. अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाइए। Always read at the normal distance for vision. Do not read while reading the book too close to your eyes or keeping it too far. अब पठन सामग्री के सदैव दृष्टि को समान दूरी पर रखकर पढ़िए। आपकी अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा उसके नेत्रों को बहुत दूर ले जाकर मत पढ़िए। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6। इट फूड इज डिफिशियंट इन सम कंपोनेंट्स। आई माई आल्सो सफर लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल। मोस्ट कॉमन एमंगेस्ट
देम इज नाइट ब्लाइंडनेस। कक्षा सिक्स में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा है। यदि भोजन के किसी अवयव का अभाव है तो इससे नेत्रों की क्षति हो सकती है। भोजन में विटामिन ए के अभाव नेत्रों में अनेक रोगों के लिए उत्तरदायित्व होता है। इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग रतौंधी होता है। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट विच है विटामिन ए रॉ कैरोट्स ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच एड कुड लीवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए एग मिल्क क्रूड चीज बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपाया एंड मैंगो आर आल्सो रिच इन विटामिन ए। इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन ए के युक्त अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए। कच्ची गाजर फूल गोभी तथा हरी सब्जी जैसे पालक तथा कॉड लीवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे दूध दही पनीर मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। चक्षुत्र विकृत वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग सम पर्सन कैन नॉट सी एट All since birth, some persons might lose their eyesight because of a disease or an injury. Such persons try to identify things while touching and listening to voice more carefully. They develop their other sense more sharply. However, additional resources can enable them to develop their capabilities further. कुछ व्यक्ति जिसमें बच्चों में भी सम्मिलित होते हैं चक्षुत्री अक्षमता से पीड़ित होते हैं, दृष्टि संबंधित पीड़ित होते हैं, इनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होते हैं। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अपने दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श तथा अथवा ध्वनियों की ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं तथा अधिक संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं में अधिक विकसित करने में सक्षम बना देती है। व्हाट इज द ब्रेल सिस्टम। ब्रेल पद्धति क्या है। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज ब्रेल। चक्षुस्त्र विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्ट इन 1932। देयर आर ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नेशंस। मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। वर्तमान पद्धति 1932 से अपनाई गई सामान्य भाषाओं गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लर्न द ब्रेल सिस्टम बाई बिगनिंग विथ लेटर देन स्पेशल कैरेक्टर एंड लेटर कॉम्बिनेशंस मेथड्स डिपेंड अपन रिकॉग्निशंस बाई टचिंग इच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज्ड। ब्रेल टेस्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई हैंड और बाई मशीन। टाइप राइटर लाइक डिवाइस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। चक्षुस्त्र विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात विशेष छापों एवं अक्षरों को संयोजन को पहचानता है। सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर होती है। प्रत्येक छाप का स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियों जैसे मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। थैंक यू।